नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने पिछले प्रोग्राम में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ जोन के बारे में आपको वास्तुशास्त्र की जानकारी दी थी, और आज मैं आपको ईशान दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। ईशान दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईशान दिशा भगवान शंकर का स्थान माना गया है, और ईशान दिशा हमेशा ही ज्ञान देती है, नॉलेज देती है। जिस घर का, यानी जिस घर में आप रहते हैं, उस घर का नॉर्थ ईस्ट ईशान भाग सही होता है, तो उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति को, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सभी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी के साथ जब नॉर्थ ईस्ट ईशान दिशा सही होती है, तो उस घर के अंदर धन दौलत भी भरपूर आती है और परिवार की बढ़ोतरी भी होती है। जब भी आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईशान दिशा में वास्तु दोष बन जाता है, तो भरपूर परेशानी आने के कारण बन जाते हैं। वास्तु दोष कई प्रकार से बन जाता है, जैसे कि आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में जाने अनजाने में ऊँचा प्लेटफॉर्म बना दिया है, या छत के ऊपर आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईशान भाग में ऊपर एक कमरा बना दिया है, तो वास्तु दोष बन जाता है। जाने अनजाने में आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टोर बना दिया है, तो भी वास्तु दोष बन जाता है। और आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भाग में खिड़कियाँ लगी हुई है, दरवाज़ा लगा हुआ है, और आपने उसे हमेशा बंद करके रखा है, तो भी आपके यहाँ वास्तु दोष बन जाता है। आपके घर की ईशान दिशा में वास्तु दोष है, तो आपके यहाँ हर व्यक्ति गुस्से में रहता है और आपस में विचार नहीं बनते। यदि आप ये चाहते हैं कि आपके अपने घर का माहौल अच्छा बना रहे, तो उसके लिए आपको अपने घर की ईशान दिशा को हमेशा ही सही रखना है, ईशान दिशा के वास्तु दोष को दूर करना है। आपके यहाँ खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, तो आप उन खिड़की और दरवाजों को हर रोज रूटीन में खोलेंगे, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ जो घर का माहौल है उसमें सुधार जरूर आएगा। इसी के साथ आप अपनी ईशान दिशा को खुला और खाली जरूर करें। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट का भाग ईशान दिशा हमेशा ही खुली होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए और नीची होनी चाहिए। ईशान दिशा सॉफ्ट अर्थ, नरम पृथ्वी तत्व माना जाता है, और ईशान दिशा जितनी हल्की होगी, जितनी खाली होगी, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी होगी, तो आपके यहाँ हमेशा ही खुशहाली बनी रहेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप ये चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक लगातार हर रोज़ रूटीन में पहुँचे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह मैं आपको वास्तुशास्त्र और अपने अनुभव की जानकारी देता रहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।